गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर वन नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दशमलव की जोड़ कैसे घटते हैं, माने दशमलव में अगर कोई संख्या दिया हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं, उसे कैसे घटाते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि जैसे साधारण जोड़ और घटाव होता है, इसी तरह दशमलव के भी जोड़ और घटाव होता है। ठीक है, केवल ध्यान देना रहता है कि दशमलव बैठाना कैसे। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न देता हूं, ये एक प्रश्न है, इसमें से आपको घटाना है। ठीक है, ये आपको घटाना है, तो हम कैसे घटाएंगे? तो मान लेंगे कि दशमलव नहीं है, फिर उसी तरीके से घटाना शुरू करेंगे। देखिए, घटाते हैं, आठ में से छह गया दो, सात में से सात गया जीरो, दो में से तीन नहीं जाएगा तो बारह में से तीन गया नौ, एक में से सॉरी यहाँ पे बचा क्या जीरो, दस में से एक गया नौ, यहाँ बचा दो, यहाँ बचा दो, और दशमलव दो अंकों के बाद है तो यहाँ भी क्या बचेगा, दो अंकों के बाद बैठ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2299.02। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आता है कि घटाना कैसे है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ना एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ये सभी बच्चों को आता है ना घटाना? आता है सभी बच्चों को? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए इसको आपको आंसर करना है चार सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे चार सेक्शन में, चार सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चार सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चार सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी बच्चे चार सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं, नौ में से नौ गया जीरो, आठ में से सात गया एक, चौदह में से छह गया आठ, बारह में से तीन गया नौ, सात में से पांच दो गया पांच, सात सात कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 598.10। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 598.10। सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। देखिए सभी बच्चे रिप्लाई नहीं करते, सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। सभी बच्चे रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, इसको आपको घटाना है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिए, सारा ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं, तो ध्यान से सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में इसका आंसर। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर को चेक कर लेंगे, फिर पोल में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में।
आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। अभी पूरे एक मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से कीजिए, बस सभी बच्चों को आंसर करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी चार बच्चों ने आंसर नहीं किया है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो पांच में से एक गया, सर स्क्रीन नहीं दिख रही, चार आएगा, दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए। 14 में से 8 गया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ क्या बचा 2, 2 12 में से 5 गया 7, यहाँ 1 1 0 हो जाएगा। 11 में से 9 गया 2, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, तो आंसर क्या आएगा, दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद बैठा देंगे, तो 32 07 32 07 दशमलव 64, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। चल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं और कैसे घटाते हैं, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो आज के क्लास में ये हम पढ़ने वाले हैं कि दशमलव वाले संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। चलिए सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एग्जाम्पल। तो देखिए 2.2 में 1.3 का गुणा करना है, 2.2 में 1.3 का गुणा करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि दी गई संख्याओं को दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें, यानी दशमलव को मान लीजिए कि नहीं है, दशमलव मान लीजिए कि नहीं है और आपको भी इसको पहले गुणा करना है। तो चलिए सभी बच्चे 22 में 13 से गुणा कीजिए, अब बताइए कितना आएगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि 22 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बच्चे, गुणा करने आप लोगों को आता है, 22 में 13 से गुणा कीजिए। तीन में दो से गुणा करेंगे, तीन दूनी छह, तीन में दो से गुणा करेंगे छह, एक में दो से गुणा करेंगे दो, एक में दो से गुणा करेंगे दो, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा छह, यहाँ आएगा आठ, यहाँ आएगा दो। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे भी दशमलव है, तो अब होगा क्या, दशमलव बैठ गया ना, तो अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे ये मैटर करता है, गुणा इसी तरीके से होगा, दशमलव लगाएंगे कहाँ पे ये चेक करना है। तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो टोटल दो अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। बात समझ में आया, यानी दशमलव का एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, तो टोटल दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, एक और दो, तो दो अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया, 2.86 जो है इसका आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया,
समझ में आया? ठीक है, एक प्रश्न इसी प्रकार का और कीजिएगा, एक प्रश्न और करिएगा। इसका आंसर तो आप लोगों ने समझ लिया कि 286 आएगा, और जब दशमलव लगाएंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, 2.86 आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे, रुक जाइए। इसको गुणा कीजिए सभी बच्चे, तो जल्दी से इसे गुणा करेंगे सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। सभी बच्चे गुणा करेंगे इसे, संजय सिंसोदिया नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए सभी बच्चों का आंसर आया, चलिए मैं गुणा करके दिखाता हूँ। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 3 में 4 से गुणा करेंगे 12, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में 8 4 से गुणा करेंगे तो 8, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 3 से करेंगे 3, 4 से करेंगे 4। अब इसे ऐड करते हैं तो यहाँ आएगा 6 9 4 13 का 3, हाथ में बचा 1, तो 6 4 10 और हाथ में 1 बचा तो 11 का 1, हाथ में बचा 1, तो 10 3 13 का 3, हाथ में बचा 1, तो 4 1 5। ठीक है, इतना आंसर आएगा 53 136। अब देखिए ये एक बिना दशमलव का गुणा था, अब देखिए दशमलव वाला गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। अब मैं इसी चीज को अगर ऐसे दे दूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसी चीज को ऐसे दे दूं, इसका आंसर क्या आएगा, और मैं इसी चीज को सर स्क्रीन अब भी नहीं दिख रही, क्लास को रीज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नहीं सर, सर दोबारा से कर ली। ठीक है, अब देखिए इन सबको गुणा करेंगे ना तो सारा चीज यही आएगा जो यहाँ आया है। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे पहले आएगा 1296, फिर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 864, फिर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 423। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5। यानी जैसे यहाँ पे आया था इसी तरह यहाँ पे भी आएगा। दशमलव कैसे बैठाना है ये हमें सीखना है, तो दशमलव कैसे बैठाना है, यहाँ दशमलव नहीं था सीधे गुणा कर दिए, यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे भी 2 अंक है, तो 2 2 4 अंक, तो दशमलव यहाँ बैठेगा, 2 2 4 अंक, 2 दशमलव यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल 4 अंक हो गया, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। फिर इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 1296, यहाँ आएगा 864 और यहाँ आएगा 423। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव ऊपर में 2 अंक है, नीचे में 1 अंक है, तो 2 ऊपर का 1 नीचे का, तो कितना हो गया 3 अंक, तो यहाँ पे भी गुणा करने पे तो यही आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ बैठेगा, 2 ऊपर का 1 अंक नीचे का, तो टोटल 3 अंक हुआ, तो दशमलव यहाँ पे बैठेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 अंक ऊपर है 1 अंक नीचे है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो सेम तरीका है वही जैसे गुणा करते हैं। ठीक है, सेम तरीका है, जोड़ेंगे भी तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, ऐसे ही आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ बैठेगा, तो दशमलव देखिए 1 अंक ऊपर में है 1 अंक नीचे है, तो 2 अंक, तो दशमलव यहाँ 2 अंकों के बाद बैठेगा। तो क्या आप लोग समझ गए कि गुणा कुछ भी करेंगे वही आएगा, बस दशमलव कहाँ बैठाना है यही चीज आपको सीखना था।
दो दो दशमलव कहा जाए या दो एक कहा जाए या एक एक कहा जाए, तो कैसे बैठाते हैं दशमलव, समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को। सर आपने कोई गलत ऐसा बच्चा जिसे रखा नहीं समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? है सर, आपकी गुना गलत है क्या सर, आपकी गुना गलत है। कहाँ गुना गलत है, कहाँ पे गलत है जी? सर आपको 432 से गुना करनी थी, आपने 423 से कर दी। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, फिर से बताइए क्या कह रहे हैं, कहाँ गलत है? सर आपकी गुणा गलत है सर, 423 ने आपको 123 से गुणा करी है सर, ये गलत है गुणा। आपका दिमाग ठीक नहीं है, ठीक है? जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, गुणा गलत है, गुणा गलत है, जो सिखा रहा हूं उसको नहीं सीखना है, अपने से ही दिमाग लगाना है। मैं क्या सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सीखिए पहले, गुना गलत है। हमने 432 में 123 से गुना किया तो आया 53,136। फिर मैंने कहा ये प्रश्न संख्या 1 था, फिर मैंने आपको बताया कि 4.23 में अगर गुणा करना होगा 1, 2, 3 से तो आएगा नीचे वाला भी सेम टू सेम ही, लेकिन दशमलव ऊपर में 2 अंकों के बाद है, नीचे में 2 अंकों के बाद है, तो अब दशमलव कितने अंकों के बाद बैठ जाएगा? 4 अंकों के बाद बैठ जाएगा। ये प्रश्न संख्या 2 था। अब मैंने फिर प्रश्न संख्या 3 लिया, इसमें कहा कि इसमें दशमलव 2 अंकों के पहले है, यहाँ पे दशमलव 1 अंक के पहले है, और इसे गुना करेंगे तो ऊपर का 2 अंक नीचे का 1 अंक, 3 अंकों के बाद अब दशमलव बैठेगा। तो यहाँ पे 6, 3, 1, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा। यहाँ पे मैंने 1 अंक ऊपर में लिया है दशमलव, यहाँ पे भी नीचे में 1 अंक दशमलव के पहले लिया, तो टोटल 2 अंक हुआ, तो यहाँ पे दशमलव क्या बैठेगा? 2 अंक के पहले बैठेगा। बात समझ में आया? ये टोटल 4 क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गुणा किस किस तरीके से दशमलव में होता है, तो एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न बताया। लालचंद नाम से जो बच्चा था जिसे दिखता था कि गलत है, कौन सा माइक ऑन कीजिए तो आप, लालचंद नाम से जो बच्चा था माइक ऑन कीजिए, तो माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, जिनको लगता था कि गलत है माइक ऑन कीजिए। हम माइक ही नहीं ऑन करेंगे, चीजें समझेंगे नहीं और माइक ही ऑन नहीं करेंगे। बताता हूं, पूछिए, माइक ऑन कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना कि दशमलव कैसे लगाना है, यानी कि गुणा हम ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे बिना दशमलव वाले को गुणा किए तो इतना ही आया, दशमलव के साथ गुणा किए तो इतना ही आया, ये भी इतना ही आया, ये भी इतना ही आया। बस ध्यान क्या रखना है कि दशमलव कैसे लगाना है। तो ऊपर में 2 अंक देखिए, प्रश्न संख्या 2 में देखिए, दशमलव ऊपर में 2 था, नीचे में 2 था, तो 4 अंकों के बाद बैठा दिए। ऊपर में 2, नीचे में 1, तो 3 अंकों के बाद बैठा दिए। ऊपर में 1, नीचे में 1, तो 2 अंकों के बाद बैठा दिए। बात समझ में? इन टोटल कितने डिजिट के बाद दशमलव बैठाना है, यही सीखना था। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर एक प्रश्न देता हूं। चलिए, तो एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए, इसका आंसर बताइएगा सभी बच्चे। 4 शिक्षक है, 5.32 में गुणा करना है 11.1 से। गुणा कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। चेक करते हैं, तो मान लेंगे कि दशमलव नहीं है, पहले गुणा करेंगे सिंपली जैसे हम लोग करते हैं,
एक में दो से गुणा करेंगे दो, एक में तीन से गुणा करेंगे तीन, एक में पांच से गुणा करेंगे पांच, फिर एक में दो से गुणा करेंगे दो, तीन से गुणा करेंगे तीन, एक में पांच से गुणा करेंगे पांच, फिर एक से गुणा करेंगे दो, तीन में करेंगे तीन, और पांच में करेंगे पांच। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़िए, यहाँ पे आएगा दो, यहाँ पे आएगा तीन दो पांच, यहाँ पे आएगा पांच तीन आठ, दो दस का जीरो हाथ मचा एक, आठ एक नौ, और यहाँ पे आएगा पांच। ठीक है, ऊपर में दो अंक, नीचे में एक अंक, तो तीन अंक, तो तीन अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठेगा, यानी 59.052। सभी बच्चों का आंसर सही है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो समझ गए होंगे सभी बच्चे कि कैसे दशमलव बिठाना है, यही मुझे सिखाना था कि दशमलव कैसे बिठाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से आ जाए, अब इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, 3.57 में आपको गुणा करना है 1.6 से, गुणा करना है सभी बच्चे, इसे गुणा करके आंसर बताइए। तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे, चलिए ठीक करते हैं। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, देखिए छह में सात से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, छह सत्ते बयालीस, हाथ में बचा चार, छह में पांच से गुणा करेंगे, छह पचे तीस और चार चौतीस, हाथ में बचा तीन, छह त्रिका अठारह, तीन इक्कीस। अब एक में सात से गुणा करेंगे सात, एक में पांच से गुणा करेंगे पांच, एक में तीन से गुणा करेंगे तीन, जोड़ेंगे दो सात चार ग्यारह का एक, छह एक सात, तीन दो पांच। दशमलव कहाँ बैठेगा, दो अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो तीन अंक यहाँ बैठेगा, 5.712, 5.712। सभी बच्चों का आंसर सही है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है ना सभी बच्चों को, तो देखिए यही था वो प्रश्न, गुणा किए तो 5.712 आंसर आया। अब सोचिए कभी आपको 10 के मल्टीपल में गुणा करना आ जाए, जैसे 10 से गुणा करना हो, मतलब कि ऐसा आ जाए कि कोई दशमलव में संख्या दी गई हो उसमें गुणा करना हो 10 से, या 10 से गुणा करना हो, या फिर आपको 100 से गुणा करना हो, या 1000 से गुणा करना हो, या 10000 से गुणा करना हो, या 1,00,000 से गुणा करना हो, यानी कि ऐसी संख्याओं से जब गुणा करना हो, यानी एक पे कई सारी जीरो रहती हैं, चाहे एक जीरो, चाहे दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पांच जीरो, छह जीरो, सात जीरो, जितनी भी जीरो हो, अगर 1000 के यानी 10 के मल्टीपल में किसी संख्या का गुणा करना होता है तो इसे सेकेंडों में सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए जैसे 4.778 में आपको गुणा करना है 1000 से, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बिना दशमलव का लिख लेंगे, 4.778 को बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 47.78 हो जाएगा, बिना दशमलव का लिख दिए। इस पे तीन जीरो से गुणा करना है ना, एक पे तीन जीरो है ना, तो इस पे तीन जीरो बिठा दीजिए, बैठ गया। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, तीन अंक है ना, तो दशमलव तीन अंकों के बाद बिठा दीजिए, यहाँ पे कहीं दशमलव आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यहाँ पे दशमलव बैठेगा, दशमलव के बाद का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 47.78, ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 5.787, इसमें गुणा करना है आपको 100 से, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे बिना दशमलव का लिख लेंगे, बिना दशमलव का लिखिए कितना होगा, 57.87, दो जीरो है तो इसपे दो जीरो बैठा देंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, दो अंक है, तो यहाँ पे दो अंकों के बाद जीरो बैठा देंगे, तो ये दो जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 57.87, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि जीरो वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। एक और तरीका बताता हूं, देखिए
सॉरी। इसमें गुणा करना हो 10 से, तो बताइए क्या करेंगे हम इसे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इसे बिना दशमलव का लिख लेंगे, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा, 73, 87, 78। एक जीरो है तो इसमें एक जीरो बैठा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के दो अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया हम लोग कैसे कर रहे हैं? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे गुणा होता है जीरो वाला? चलिए, तो एक प्रश्न करने से पहले एक गुणा करके बताइएगा, 5.23 में आपको गुणा करना है 12.7 से। चलिए गुणा कीजिए सभी बच्चे, इसका आंसर बताएंगे चार सेक्शन में। चार सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। संजय नाम से जो बच्चा है आपका आंसर गलत है, चेक कीजिए। संतोष नाम से जो बच्चा है आपका भी आंसर गलत है, चेक कीजिए। संजय और संतोष नाम से जो बच्चे हैं आप दोनों का आंसर गलत है। चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे, सिंपली पहले गुणा करेंगे, 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, 7 मचा 2, 7 में 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 2 हाथ मचा तो 16 का 6, हाथ मचा 1, 7 बचे 35 और 8 में 1 बचा था तो 36, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। ठीक है, अभी से जोड़िए, 1, 6 दूनी 12 का 2, हाथ मचा 1, 13 एक हाथ में बचा था, 14 का 4 हाथ मचा 1, 5 1 6 और 5 1 6। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो आंसर क्या आएगा, 66.421। क्लियर है सभी बच्चों को, तो आंसर क्या आएगा, 66.421। क्लियर है सभी बच्चों को, दशमलव कैसे बिठाते हैं, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आप सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल दूंगा मैं पूरे 30 सेकंड के बाद, तो पहले सॉल्व कर लीजिए फिर मैं पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे फिर मैं इसे पोल दूंगा, तो पोल में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर मैं पोल दूंगा, तो पोल में आंसर कीजिएगा। देखिए सारा ऑप्शन देखने में एक जैसा ही दिख रहा है, यहाँ 786 है, यहाँ 768 है, यहाँ 678 है, यहाँ पे 96.7668 है, तो चारों ऑप्शन देखने में सेम है। तो जब तक पांचों डिजिट, पांच पांच डिजिट का आंसर है ना, तो पांचों डिजिट जब तक मैच ना करे पोल में उत्तर मत दीजिएगा। पांचों डिजिट जिसका आंसर मैच करेगा वही पोल में आंसर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पांचों डिजिट को मैच कराइएगा तभी पोल में आंसर कीजिएगा।
नंबर सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के और 20 सेकंड है। टेन सेकंड, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। तीन बच्चों का आंसर गलत है, वो भी जल्दबाजी के चक्कर में। बी आंसर नहीं, सॉरी, बी जो है सही आंसर है, ए जो है गलत आंसर है। देखिए कैसे 5.13 में गुणा करना है 13.6 से। पहले तो गुणा कीजिए सभी बच्चे, 6 में 3 से गुणा करेंगे, 18 का 8 हाथ में बचा 1, 6 एकम 6 हाथ में 1 बचा था तो 7, 6 पच्चे 30। अब 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। जोड़िए यहाँ 8, 9, 8, 17 का 9, 7, 16 का 6 हाथ में बचा 1, तो 6, 3, 3, 6, 1, 7, 8 और 1 क्या हो गया 9, ठीक है, और यहाँ पे 5, 1, 6, तो दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है 1 अंक नीचे, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 अंकों के बाद बैठा, यहाँ पे जो है दिख रहा है 3 अंकों के बाद 768 आंसर आएगा, यहाँ पे 786 है, इसलिए ये जो है गलत है, ये जो सही है ऑप्शन बी। 3 बच्चों ने ऑप्शन ए को गलत किया था। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा जीरो वाला मैंने अभी आप लोगों को गुणा करना सिखाया था, जैसे 73.25 गुणे अगर 100 है तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, 73.25 गुणे 100 है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। बहुत अच्छा, देखिए पहले तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आएगा, 73.25 आएगा, 100 में 2 जीरो है तो इस पे 2 जीरो भी लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, और दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो आंसर क्या हो गया 73.25 जो है आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए होल सेक्शन में एक प्रश्न है 6.367, गुणा करना इसमें 1000 से, तो सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे, ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, ठीक है, कहां पे दशमलव बैठेगा कि नहीं बैठेगा क्या होगा ध्यान से करिएगा, चारों ऑप्शन को पहले सोच समझ लीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा।
देखिए जल्दबाजी में तीन बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, चार बच्चों का आंसर गलत हो चुका है जल्दबाजी में। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप सभी बच्चों को मैंने क्या बताया था कि पहले इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, चलिए इसको बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा 63, 67। 3 जीरो है इस पे, एक पे, तो 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव कहाँ बैठेगा 3 अंकों के बाद, यहाँ बैठेगा। दशमलव के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं है तो हटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा 63, 70 आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। तो चैट सेक्शन में पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न को करेंगे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। मीला सरिता का आंसर आया है, नितिन का आंसर आया है, तरुण का आया है, शर्मिला सरिता आपका आंसर अलग है, चेक कीजिए। संगीता का आंसर आया है, नवीन सैनिक आया है, प्रियंका का आया है, ठीक है, अंजना का भी आ गया, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। निधि का भी आंसर आ गया, दिनेश का भी आंसर आ गया, चलिए चेक करते हैं किनका किनका सही है। ध्यान से देखिए, पहले तो गुणा करेंगे, 3 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 का 5, फिर 3 में 4 से गुणा करेंगे 3 चौका 12, और हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3, हाथ में बचा 1। अब 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और हाथ में 1 बचा था तो 7। इसका काम खत्म हो गया 3 वाले का। अब हम गुणा किससे करेंगे, अब हम गुणा करेंगे 5 से, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 50, 25, हाथ में बचा 2। 5 में 4 से गुणा करेंगे 5 चौका 20, हाथ में 2 बचा था तो 22 का 2, हाथ में बचा फिर से 2। 5 दूनी 10, हाथ में 2 बचा था तो 12, ठीक है। अब इसका भी काम खत्म हो गया, इसे भी मिटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5,
एक में चार से गुना करेंगे तो चार, एक में दो से गुना करेंगे तो दो। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा पांच, यहाँ आएगा आठ, यहाँ आएगा कितना, सात दो नौ पांच, चौदह का चार हाथ मचा एक, छह एक सात और दो एक तीन। दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए कितना अंक है, दशमलव के बाद ऊपर वाले में दो अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे दो अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो टोटल तीन अंक हुआ। तो एक दो तीन, यहाँ पे कहीं दशमलव बैठेगा तो 37.485 जो है इसका राइट जवाब है। जिन बच्चों का सही था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जल्दी से। जिन बच्चों का सही था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे। शर्मिला आपका आंसर गलत था, क्यों, समझ में आ गया? सर गलती से डबल टाइप हो गया। ठीक ठीक, चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर दो। दिख रहा है 73.87 में गुना करना है 1000 से, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, 73.87 गुने 1000। गलत आंसर आया है, पहला ही आंसर जो है गलत है, पहला ही आंसर जो है गलत है, दूसरा आंसर भी गलत है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करते हैं इसलिए गलत होता है। तीसरा आंसर भी गलत है। मैंने क्या सिखाया था और आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने सिखाया था कि इसको पहले लिखते हैं बिना दशमलव का, तो कितना आएगा 73.87, कितना जीरो है, तीन जीरो है, तो इसपे तीन जीरो बैठा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, दो अंक है, तो दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, दो अंक है ना, एक दो, तो दो अंकों के बाद यहाँ बैठेगा, तो आंसर कितना आएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 73.87.0, ये आंसर होगा ना। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं था, ठीक है, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं था। चलिए तीसरा प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से नाम अपना लिख के आंसर सेंड करेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। संगीता, निधि, शर्मिला, प्रियंका, सभी का आंसर आ रहा है। महेंद्र राजपूत नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। दिनेश, मनीष, तरुण, नवीन, बहुत अच्छा, चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो इसे पहले हम बिना दशमलव का लिखेंगे, 93821, कितना जीरो है, चार जीरो है, तो इस पे चार जीरो लगा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, दो अंक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के बाद दो अंक लगा देंगे, ये दो दो अंक के बाद जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 93821 00, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 93821 00।
जिन बच्चों का सही था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, यानी जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे। सर जी बोर्ड नहीं दिख रहा। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। चलिए अभी एक होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क नोट कीजिएगा। प्रश्न संख्या वन, होमवर्क नोट कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन है ये, क्वेश्चन नंबर टू है, ये होमवर्क नोट कर लीजिए सभी सर बच्चे, जी बोर्ड स्क्रीनशॉट दिख ले। रहा। आपके तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप क्लास को रीज्वाइन सर कीजिए। नेट सही चल रहा है। हाँ तो बाकी बच्चों को, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, जी आपके सर तरफ सभी जी प्रॉब्लम। चलिए तो होमवर्क सभी बच्चों ने नोट कर लिया, होमवर्क सभी बच्चों ने नोट कर लिया ना, एक बार वाई टाइप करिए जल्दी से, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कुछ भी डाउट है अभी